1971 की भारत पाकिस्तान की जंग शायद ही कोई भूल सकता है। भारत ने ना जाने अपने कितने सैनिक गवा कर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। इन्हीं सैनिकों में से एक थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिनके बलिदान ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता तो दी, साथ ही अगरतला को भी पाकिस्तान में मिलने से बचाया। अगर आज अगरतला भारत का हिस्सा है तो इसका श्रेय एक आदिवासी सैनिक अल्बर्ट एक्का को जाता है। मशीन गन की गोलियों और माइंस के बीच में से दौड़ते लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला के जारी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। अल्बर्ट एक्का आदिवासी जनजाति से थे और शिकार करना इस जनजाति का सामान्य खेल था। उनका यही अनुभव उन्हें कामयाब और एक सक्षम सैनिक बनाने में मददगार साबित हुआ। अल्बर्ट एक्का 1962 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए। 1968 में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14वीं बटालियन का गठन हुआ तो एक्का का उस यूनिट में तबादला हो गया। 1971 के युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बटालियन को पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया। एक्का और उनके साथियों को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर पर अपना कब्जा जमाने के आदेश मिले। गंगा सागर अगरतला से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है और अगरतला आज त्रिपुरा की राजधानी है। गंगा सागर में पाकिस्तान पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी था ताकि भारतीय सेना अखोरा की तरफ बढ़ सके। अखोरा पहुंचना बांग्लादेश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से भारतीय सेना ढाका जा सकती थी। 3 दिसंबर 1971 की रात करीब 2:30 बजे अल्बर्ट और उनके साथी जैसे ही रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे तभी एक पाकिस्तानी संतरी ने चिल्लाकर उनसे पूछा, कौन है वहां? एक्का ने उस पाकिस्तानी संतरी से कहा, तेरा बाप। और उन्होंने आगे दौड़ते हुए अपनी बंदूक की संगीन उस पाकिस्तानी सैनिक के सीने में घोंप दी और पाकिस्तानी सेना के इलाके में घुस गए। चारों ओर गोलियां बरस रही थी, कहीं से आग के गोले निकल रहे थे तो कहीं से हैंड ग्रेनेड व मोर्टार छोड़े जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने रेलवे स्टेशन के आसपास की पूरी जगह को लैंडमाइन से पाट दिया था ताकि भारतीय सेना को रोका जा सके। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ तैयार खड़े थे। कुल मिलाकर गंगा सागर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था, मगर अल्बर्ट एक्का तय कर चुके थे कि वे अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गोलियां उगल रही पाकिस्तान की मशीन गनों और बंकरों को अपना निशाना बनाया। एक्का अकेले ही पाकिस्तानी बंकरों पर कूद गए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना का बंकर उड़ा दिया और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी बंदूक से मौत के घाट उतार दिया। इस संघर्ष में एक्का को गंभीर चोटें आईं, मगर वे रुके नहीं और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करते रहे। रेलवे स्टेशन के आउटर इलाके को कब्जे में लेने के बाद वापस आने के दौरान टॉप टावर के ऊपर खड़ी पाक सेना ने मशीन गन से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले में 15 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। पाकिस्तानी मशीन गन ऊपर से मौत बरसा रही थी। एक्का को गोलियां लगी हुई थी, उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन मां भारती का ये सपूत रेंगते हुए अपने दर्द की परवाह ना करते हुए उस टावर पर चढ़ गया और उसने ऊपर पहुंचकर अपने ग्रेनेड को उस पाकिस्तानी बंकर पर फेंक दिया और पाकिस्तानी मशीन गन को कब्जे में लेकर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस लड़ाई में अल्बर्ट एक्का को 20 से अधिक गोलियां लगी, उनका शरीर गोलियों से पूरी तरह छलनी हो गया और अल्बर्ट टॉप टावर से नीचे गिर गए। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की सांसों की डोर टूट गई, पर उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। अगर उस दिन अल्बर्ट एक्का ना होते तो करीब 150 भारतीय जवान मारे जाते। इस लड़ाई में 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 6 सैनिकों को कैद कर लिया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की असाधारण वीरता की वजह से उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अल्बर्ट एक्का के सम्मान में
एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया है। बांग्लादेश ने भी इस महान भारतीय सैनिक को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया। उनके गृह राज्य झारखंड की राजधानी रांची में एक राजमार्ग आज भी उनके नाम पर है। त्रिपुरा सरकार ने हाल में ही उनके नाम पर अल्बर्ट एक का पार्क बनाया है। इस पार्क में एक्का की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य गाथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।